नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गौरीशंकर पब्लिक स्कूल तुलसी सागर के परिसर में दिवाली से पूर्व गुरुवार को रंगोली बनाओ एवं हस्त निर्मित दीप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष शरद कुमार वर्मा, पीआरओ अभिषेक प्रजापति ने प्रथम स्थान ब्लू हाउस, द्वितीय स्थान ग्रीन हाउस व तृतीय स्थान संयुक्त रूप से येलो व रेड हाउस को घोषित किया, जबकि दीपक बनाओ में प्रथम स्थान येलो हाउस ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने ये संदेश भी दिया कि हम स्वदेशी व स्वनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग कर भारत के विकास में अपना योगदान देकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेश्वर ने ये त्योहार हमारे लिए धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक व वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये कहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्यालय की कार्यकारी निदेशिका रीता सिंह, यूरो किड्स की प्रिंसिपल अनुपमा सिंह, उप प्रधानाचार्य चंदना बनर्जी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, मीना पांडे आदि मौजूद रहे। संचालन आराधना सिंह ने किया तथा प्रधानाचार्य लल्लन सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। धनतेरस और दीपावली पर्व पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी एमपी सिंह तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ ही नगर में रूट मार्च किया। भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर के मिश्र बाजार से रूट मार्च प्रारंभ हुआ, जो लाल दरवाजा, पच रस्ता, प्रकाश टॉकीज, टाउन हॉल, स्टीमर घाट, चित्रात होते हुए नखास तक गया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने त्योहारों को कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि यह धनतेरस का त्यौहार है, इसके बाद दीपावली का त्यौहार होगा। इसको देखते हुए शांति व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। आज जिलाधिकारी के साथ भ्रमण कर इस व्यवस्था को चेक करते हुए ये देखा गया कि कोई कमी ना हो, कहीं गंदगी ना हो और सुरक्षा में भी कहीं कोई कमी तो नहीं। लोगों को एक संदेश देने का प्रयास भी किया गया कि पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, पूरे जनपद में यही व्यवस्था है, आने वाले सारे त्योहार अच्छे और सुरक्षा माहौल में संपन्न होंगे। रूट मार्च में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, यातायात सीओ महमूद अली, सदर कोतवाल विमल मिश्र, यातायात प्रभारी प्रवीण यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। जनहित इंटर कॉलेज भदौरा में महिला सशक्तिकरण के तहत गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवराई चौकी प्रभारी राजेश बहादुर सिंह ने छात्राओं को नारी सुरक्षा और शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। अगर कोई किसी महिला बालिका को कोई परेशान करे, छेड़छाड़ करने का प्रयास या उत्पीड़न करे तो पीड़ित महिला बालिकाएं यहां आकर महिला पुलिसकर्मी से अपनी शिकायत बेझिझक दर्ज करा सकती हैं। तत्काल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सरकार द्वारा संचालित है। यदि किसी महिला या बालिका को कोई समस्या शिकायत है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर डायल करें, समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। लाल दरवाजा पावर हाउस पर विद्युत मजदूर पंचायत की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ दिनों पूर्व चर्चा में आए जीपीएफ घोटाले के बाद सीपीएफ जीपीएफ ट्रस्टी के सदस्यों का चुनाव 10 और 11 नवंबर को पूरे प्रदेश में पहली बार हुआ। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इस चुनाव में गाजीपुर के प्रत्याशी ने इतिहास रचने का काम किया है। पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन से गाजीपुर के विद्युत कर्मचारी नेता निर्भय नारायण सिंह ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मत पाते हुए विजय हासिल की है। इस मौके पर विद्युत मजदूर पंचायत के जिला संरक्षक शिव दर्शन सिंह ने कहा कि निर्भय नारायण सिंह की जीत गाजीपुर का मान पूरे प्रदेश में बढ़ाने वाली साबित हुई है। तमाम विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्री सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर सहायक अभियंता मिठाई लाल, शिवम राय, अभिषेक राय, शत्रुघ्न यादव, विजय यादव, संजीव भास्कर आदि उपस्थित रहे। नलकूप मंडल परिसर में गुरुवार को सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश शाखा प्रथम की तरफ से नवागत अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं सेवानिवृत्त 8 सिंच पर्यवेक्षक एवं नलकूप चालकों का वरिष्ठता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता राकेश बिहारी मल्ल ने सभी सेवानिवृत्त साथियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इससे पहले कृष्ण कुमार मिश्रा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कांता राय, मंत्री आनंद
प्रसाद, संरक्षक अरविंद नाथ राय, परिषद अध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता सिंचाई संघ अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह तथा संचालन संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के चेयरमैन नमो नारायण राय ने किया। अंत में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वरिष्ठता होने की बधाई शुभकामना दी। गाजीपुर की ऐसी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।